ओम शांति। आज ये हम सुना रहे हैं कि हमारे शरीर में बीमारी आने से पहले ही ये नाड़ी हमें किस प्रकार से संकेत देते हैं, उसको हमें यहां समझना है। कैसे? ये जो हमारा नाक है, नाक में दो छेद है। इस दो छेद में इस बाएं साइड को कहते हैं चंद्र नाड़ी और दाएं साइड को कहते हैं सूर्य नाड़ी। ये दोनों नाड़ी का अंतर को हमें समझना है। अगर इस नाड़ी का अंतर को आप समझ लेंगे तो बीमारी आने से पहले ही आपको बीमारी के संकेत को आप समझ सकते हैं। किस प्रकार की बीमारी आपके पास आने वाली है आप पहले ही समझ सकते हैं। कैसे? ये दो छेद हैं, लेकिन दोनों छेद हमेशा खुला नहीं रहता है ना। हम हमेशा ये दोनों साइड से हम श्वास लेते हैं, हमेशा हम एक ही साइड से ही श्वास लेते हैं, दाएं साइड या बाएं साइड। एक साइड पूरा खुला होता है तो दूसरा साइड हल्का बंद रहता है। अर्थात अगर हमारा चंद्र नाड़ी पूरी खुली है, अगर बाएं साइड का नाक अगर पूरा खुला है तो दाएं साइड हल्का बंद रहता है। और फिर 2 से 2.5 घंटे के बाद बाद ये अल्टरनेट करते हैं। अर्थात अगर हमारी चंद्र नाड़ी अभी खुली है, अर्थात ये बाएं साइड अगर अभी पूरा खुला है तो दाएं साइड हल्का बंद तो रहता है, लेकिन 2 से 2.5 घंटा ये खुला पूरा खुला रहने के बाद धीरे धीरे ये बंद हो जाएगा और फिर दाएं साइड धीरे धीरे पूरा खुल जाएगा। लेकिन अल्टरनेट करने से पहले ये दोनों नाक पूरा खुलता है। थोड़ा समय के लिए नाक के दोनों साइड पूरा खुला रहता है। थोड़ा समय यानी 5 से ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट तक ये दोनों साइड पूरा खुला रहता है। उसके बाद फिर जो साइड में पूरा खुला था वो साइड धीरे धीरे पूरा बंद हो जाता है, और जो साइड बंद था वो धीरे धीरे पूरा खुल जाता है। इस प्रकार से 2 से 2.5 घंटे के बाद बाद ये दोनों साइड अल्टरनेट करते रहता है। इस कुदरत को 95% लोग नहीं जानते, लेकिन अभी भी आप चेक करके देखेंगे तो आप पाएंगे एक साइड आपका पूरा खुला होगा तो दूसरा साइड हल्का बंद रहेगा। आप चेक करके देखिए। कैसे चेक करेंगे? ये नाक के एक साइड हल्का दबाकर श्वास को ऊपर की तरफ खींचे। इस प्रकार से अगर चेक करेंगे तो आप पाएंगे एक साइड पूरा खुला होता है तो दूसरा साइड हल्का बंद रहता है। इससे क्या होता है, ये नाक में दोनों छेद अगर दोनों साइड अगर लंबा समय तक जाम हो जाता है, उसी से आपको क्या संकेत मिलता है। लंबा समय तक अगर दोनों साइड जाम हो जाता है तो आपको सर्दी जुखाम होने का संकेत मिलता है, और थोड़ा समय के अंदर ही आप सर्दी जुखाम होने का आप अनुभव करते हैं। और दोनों साइड अगर जाम हो जाता है उसका असर गला में पहुंचता है। सर्दी जुखाम होने से गला में भी खुश खुश होने लग जाता है। अर्थात दोनों साइड जाम हो जाता है और मुख से भी श्वास आना जाना चालू हो जाता है, उसका असर गला में करता है। गले में खुश खुशी या गला में हमारा कोई वायरस वगैरह का अनुभव करते हैं। अगर एक साइड बंद हो जाता है, अगर दाएं साइड अगर लंबा समय तक बंद रहता है या जाम रहता है, खुल ही नहीं रहा है, अगर दाएं साइड अगर लंबा समय तक बंद रहता है या जाम रहता है, उससे हमें क्या संकेत मिलता है, तो उसका असर हमारा पेट में करता है। भूख का अनुभव आपका खत्म हो जाएगा। अर्थात दाएं साइड खुल ही नहीं रहे हैं तो आपको भूख लगने का अनुभव आप नहीं करेंगे, क्योंकि नाड़ी अल्टरनेट नहीं कर रहे हैं तो आपके पेट में जो पड़ा हुआ भोजन वो एक्यूरेट डाइजेस्ट भी नहीं हो रहे और पेट साफ नहीं हो रहा है। पेट में भारीपन या गैस लंबा समय तक आप भारी महसूस करेंगे और लंबा समय तक हमें भूख नहीं लगेगी। खाने पीने का हमारा मन ही हट जाएगा, उससे हमें बीमारी आने के संकेत मिलते हैं। जो चालू भाषा में लोग कहते हैं, पता नहीं क्या हो गया, लंबा समय से आज भूख ही नहीं लग रहा है, खाने का कोई मन ही नहीं लग रहा है, इस प्रकार से अनुभव होता है। और दूसरा साइड अगर हमारा ये बाएं साइड अगर लंबा समय तक जाम रहता है, बंद रहता है या जाम रहता है, उससे हमें क्या संकेत मिलता है। अगर ये बाएं साइड लंबा समय तक जाम रहता है, खुल ही नहीं रहा है, वो अल्टरनेट नहीं हो रहा है, कंटिन्यू अगर दाएं साइड खुला है बाएं साइड बंद है, तो उसका असर क्या करेगा, पित्त के संबंध में कोई बीमारी आने वाली के संकेत आपको मिलता है। क्योंकि सूर्य नाड़ी खुली है, माना
सूर्य नाड़ी के संबंध में जो अग्नाशय पित्ताशय कंटिन्यू सक्रिय है, तो कंटिन्यू पित्ताशय अग्नाशय सक्रिय होने के कारण पेट में गर्मी होगी। जो बोलचाल में लोग ये कहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, पेट में गर्मी हो गई या पेट गर्म हो गया, इस प्रकार से लोग अनुभव भी करते हैं और कहते भी हैं। इन सब का कारण होता है जब सूर्य नाड़ी लंबा समय तक खुली होती है, दाएं साइड में लंबा समय तक श्वास चलता है तो पेट में गर्मी हो जाती है। इसीलिए ये दोनों नाड़ी सही ढंग से काम करें, यानी सही विधि से ये दोनों साइड अल्टरनेट करते रहें, इसके लिए नाड़ी शोधन करवाया जाता है। नाड़ी शोधन माना अनुलोम विलोम की विधि से ये दोनों नाड़ियों का शोधन माना शुद्धिकरण किया जाता है। कैसे करते हैं? हाथ को इस प्रकार से रखकर अंगुली को ये दाएं साइड को हल्का दबाकर बाएं साइड से श्वास को ऊपर की तरफ खींचना है। लंबा श्वास को खींचकर थोड़ा समय हमें बंद रखकर फिर ये बाएं साइड को दबाकर बंद करके ये दाएं साइड से धीरे धीरे श्वास को छोड़ना होता है। फिर इस साइड से पूरा श्वास छोड़ने के बाद इसी साइड से फिर धीरे धीरे श्वास को पूरा लंबा खींचना है। फिर इस साइड को ये दाएं साइड को फिर दबाकर फिर बाएं साइड से धीरे धीरे श्वास को छोड़ना। कैसे करना है आप देख लीजिए। फिर इसी साइड से पूरा श्वास को जोर से पूरा भरना है, फिर इस साइड से छोड़ना है। इस प्रकार से ये अल्टरनेट करते करते लगभग हमें 20 से 30 बार तक अगर करते हैं ये दोनों नाड़ियां शोधन हो जाते हैं, अर्थात ये चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी दोनों शुद्धिकरण हो जाते हैं। इससे जो आने वाली बीमारी जो आने वाली है वो आने से पहले ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए ये अनुलोम विलोम करके ये नाड़ियों का शोधन कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी ये सारी बातें अच्छी लगी तो आपके संपर्क में जो भी हैं सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओम शांति।